नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान गोली चलाई गई। हमले में बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है। मेरे मित्र पर हुए हमले से बेहद चिंतित, पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। उसमें लिखा गया कि मेरे मित्र पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमले की राहुल गांधी और खड़गे ने भी निंदा की है। ट्रंप पर जानलेवा हमले से मैं बहुत चिंतित हूँ, राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। तो ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ और इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमले से चिंता जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, उन पर फायरिंग की गई। हालांकि ज्यादा हताहत नहीं हुए, कान को छू करके गोली निकली है। लेकिन इस पूरे मामले में अब पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और इस हमले की निंदा की है। मेरे मित्र पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं, पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर इस हमले की कड़ी निंदा की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलाई गई, कान से छूकर के गोली हालांकि निकली है, क्या कुछ उनकी मौजूदा स्थिति, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली में, इस दौरान उन पर गोली चली और जिस तरीके से वहां पर जो स्पेशल सर्विस कमांडोज थे उन्होंने उनको घेरे में लिया और उसके बाद फाइट फाइट करते हुए वो तस्वीर भी काफी वायरल हुई है। अभी ताजा अपडेट ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। साथ ही उन्होंने अपने अगले कार्यक्रम को बदला नहीं है, उस सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे ये कहा जा रहा है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ट्रंप कहाँ गए हैं, लेकिन चुनावी रैली के बाद उनकी योजना न्यू जर्सी में अपने घर जाने की थी ये कहा जा रहा था। लेकिन इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति की योजना विकॉन्सिन में मिलवॉकी में होने वाले रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन में जाने की थी, तो अभी जानकारी मिलेगी कि वो अब इस कार्यक्रम को आगे जारी रखेंगे। लेकिन उनके चुनावी कार्यालय की ओर से बताया गया कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और हमले के बाद कानूनी एजेंसियां और उस पर पहली प्रतिक्रिया देने वालों के चुप गुजार हैं। इस बीच इस हमले पर हुए प्रदीप जी, इस दौरान हमले पर पीएम मोदी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। हमले को लेकर चिंता जाहिर की गई है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर अपने ट्वीट पर लिखा है, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए और मेरे मित्र पर जो हमला हुआ है उससे बेहद चिंतित हूँ। देखिए, बिल्कुल, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ उसके बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने एक ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से चिंतित हूँ। साथ ही उन्होंने इसमें भी कहा है कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है लोकसभा में, उनकी ओर से भी एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से बहुत चिंतित हूँ और इस तरह की हरकत होगी कड़ों शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, उसके उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसके अलावा पीएम मोदी ने जो अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने सीधे तौर पर कई बातें कही हैं। मेरे दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ, घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूँ। हमारी प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और सभी अमेरिकी लोगों के साथ है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है, इस घटना पर दुख जाहिर किया है और जो संवेदना जताई गई है। तो ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस हमले के बाद जिस तरीके से रिएक्शन आ रही हैं वो चिंताएं पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देते हैं कि ये वक्त जिस तरीके से यहाँ पर एक कठिन वक्त था वो बीता है, लेकिन अब इससे राजनीतिक पड़ताल भी हो रही है और कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी चुनाव का रुख पूरी तरीके से बदल सकता है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में माहौल बन सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो बिडेन है, इस पूरे घटना की जानकारी उनको दी गई है, उन्होंने भी इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है और पूरी तरीके से अब पूरा एक्शन प्लान किया जा रहा है। तो
पूरी खबरें ये सामने आई हैं, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में नजदीकी हमले में बाल बाल बचे हैं। इसके बाद प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बिल्कुल प्रदीप जी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया, हालांकि इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन क्या कुछ मुख्य वजह निकल करके सामने आ रही, चूंकि जांच पड़ताल के आदेश तुरंत शुरू हो गए, वहां पे अफरे तफरी का माहौल हो गया। ये बेहद बड़ी खबर कि पूर्व राष्ट्रपति पर गोली से हमला किया जाता है, जानलेवा हमला, अगर जरा से अभी चूक होती तो शायद ये गोली उनके माथे पे या सीने पे भी लग सकती थी, क्योंकि सीधे कान को छू करके गोली निकली है। तो जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, प्रारंभिक जांच में क्या कुछ अभी निकल करके सामने आ पाया है? देखिए, जिस तरीके से हमला हुआ है, निश्चित तौर पर ये जानलेवा हमला था और बाल बाल बचे हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर और सुरक्षा को लेकर, चुनावी रैली में जो तैयारियां होती है उसको लेकर नए सवाल उठे हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद सीक्रेट सर्विस ने बयान जारी किया और कहा है कि हमलावर ने रैली की जगह से बाहर एक ऊंची जगह से मंच की ओर कई राउंड फायर किए हैं। इस बयान में ये भी कहा गया कि उसमें एक दर्शकों में से एक व्यक्ति को मारा गया है, जिसको गोली लगी, दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एजेंटों ने हमलावर को घटनास्थल पर ही मार गिराया है। जो बयान दिया गया है, अगर मैं बयान आपको एक बार यहाँ पर बताऊं, तो ये साफ करता है कि किस तरीके से सर्विस एजेंट और जो उन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी दी है, वो कैसे इस घटना के बारे में बता रही हैं। एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि उनकी ओर से बयान जारी किया गया है, अमेरिकी सर्विस जो एजेंट्स हैं उनकी ओर से, सीक्रेट सर्विस की ओर से ये बयान है, जिसमें बताया गया है कि पेंसिल्वेनिया के बटलर में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावी अभियान रैली के दौरान 13 जुलाई की शाम लगभग 6:15 बजे एक संदिग्ध शूटर ने रैली की जगह से बाहर एक ऊंची जगह से मंच की ओर गोलियां चलाई और उसके बाद सुरक्षात्मक उपायों के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दी गई और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है। एक दर्शक की इस हमले में मौत हुई है, 2 दर्शक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना की जांच की जा रही है और सीक्रेट सर्विस ने FBI को इस घटना के बारे में जानकारी दी है, राष्ट्रपति को जानकारी दी है, उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचवाने के लिए।